ओवरऑल बजट एक अच्छा बजट है, पूरा बैलेंस बजट है, सभी सेक्टर को कुछ ना कुछ बजट में दिया गया है, बहुत सारी अनाउंसमेंट है और मेरे को लगता है कि बहुत बैलेंस्ड तरीके का बजट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन वगैरह ऐसा देखा नहीं जाए तो कोई पॉपुलिस्ट मेजर अनाउंसमेंट नहीं थी, बट इट वॉज अ बैलेंस अप्रोच दैट वॉज अडॉप्टेड इन दिस बजट। अब उसमें एक इनकम टैक्स के फंड में देखा जाए तो इनकम टैक्स के फंड में कुछ अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट हुए हैं, बहुत सारे लिटिगेशंस और डिस्प्यूट्स कम करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम पार्ट टू अनाउंस हो रही है, एक अच्छा मूव रहेगा। सैलरी टैक्सपेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की पिछले कईयों सालों से डिमांड चल रही थी वो बढ़ाने की, वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है। वैसे ही इनकम टैक्स में बहुत सारे पुराने केस ओपन अप होते थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले वो पावर 6 साल थे, 6 साल से बढ़ा के 3 साल करते करते उसका दायरा और बढ़ा दिया, 10 साल तक कर दिया गया था, इस बजट में वो कम करके उसको 5 साल अनाउंस 5 साल की लिमिट रख दी गई है, ये एक बहुत अच्छा मेजर अनाउंसमेंट हुआ है। कैपिटल गेन टैक्सेशन में ऐसे लग रहा था कि 10% से लॉन्ग टर्म कैपिटल का टैक्स का रेट बढ़ा के 15% कर दिया जाएगा या 20% कर दिया जाएगा, उसको नॉमिनल बढ़ाया गया, सिर्फ 12.5% पर लाया गया है। मेरे हिसाब से 12.5% फिर भी बैलेंस टैक्स रेट है और एक अच्छा टैक्स रेट है, बहुत ज़्यादा ना बढ़ा के अच्छा किया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स का रेट 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया, वो एक बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, बट देन इट्स ओके, ऐसे नॉर्मल 30% का टैक्स रेट जाता है, ये 20% फिर भी नॉर्मल टैक्स रेट माना जाता है, टू दैट एक्सटेंट अच्छा है। ओवरऑल बजट देखा जाए तो एक अच्छा बजट था, बैलेंस बजट था, सभी सेक्टर्स को कुछ ना कुछ दिया गया और अच्छे अनाउंसमेंट हुई है। देखिए, साधारणतः ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार का पहला बजट बहुत ज्यादा कठिन रहेगा और लुभावने वाला नहीं रहेगा, मगर मोदी जी की सरकार का यह बजट आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इतने सरल तरीके से पेश किया और ऐसा लगता है कि अध्ययन करके एक एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये बजट इन्होंने पेश किया है। इसमें इन्होंने युवाओं की तरफ भी ध्यान रखा, किसान की तरफ भी ध्यान रखा, महिलाओं की तरफ भी ध्यान रखा, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करके एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें। आज 5 करोड़ नए रोजगार की बात कर रही हैं, MSME को ब्याज कम ब्याज पे या उनको पैसे मिलते रहे उसके लिए काम कर रही है, स्ट्रेस MSME के लिए, वो बोल रही है पुरानी बातें छोड़ो, सरकार की केंद्र सरकार की गारंटी के ऊपर MSME को फर्दर पैसे मिलेगा। अभी क्या होता है, थोड़ा भी MSME का कम ज्यादा हुआ वो NPA करके उसको रोक के मार डालते, इन्होंने कहा नहीं, जैसे बड़ी इंडस्ट्री को आप आगे करते हो वैसे उसको आगे करो, किसानों की उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उनको ऐसे कैसे बीज दिए जाए कि बारिश में और इसमें उसको तकलीफ ना हो, तो अगर किसान की उपज बढ़ जाएगी तो अपने आप बाजार में गति आने लगेगी, युवाओं को नौकरी मिलने लग जाएगी, इंटर्नशिप की भी बात की है, सरकार अपने आप इंडस्ट्री को और किसान को इंडस्ट्री को और नौकरी करने वाले को पैसा दे रही है डायरेक्ट बेनिफिट में, और खास बात है कि वो पैसा जा रहा है EPF में, तो एक जो भी मजदूर आएगा वो अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा मेरा EPF खाता खोल, यानी वो एक सिस्टम में आ जाएगा। ओवरऑल बजट बहुत एक चांगलाच है, ज्यादा गवर्नमेंटला आता ईस्टर्न स्टेट्स जे होते त्यांचं केवळ फोकस केलेलं आहे गवर्नमेंटने, टॅक्सेशन सिस्टममध्ये काही चेंजेस केले आहे, बट सॅलरी एम्प्लॉईला त्यांनी बेनिफिट दिलेला आहे आणि मच अवेटेड बेनिफिट आहे, तर जो 50,000 स्टँडर्ड डिडक्शन त्यांनी 75,000 केला आहे तो खूप चांगला, मतलब मच अवेटेड होता, तर एक्सपेक्टेड 1 लाखापर्यंत होतं पण 75 दिलं तरी चांगलं आहे, आणि टॅक्स स्लॅबमध्ये थोडंफार चेंजेस केलेलं आहे, आता त्याचं काय इफेक्ट येईल आपल्याला बघावं लागेल बजेटचं फाईन प्रिंट रीड करून। एक महाराष्ट्र आणि विदर्भ उद्योगाच्या दृष्टिकोनातून किती महत्त्वाचं वाटतं? महाराष्ट्र आणि विदर्भ आता सगळे स्टेट इंडियाचे आहे, त्याला चांगलंच होणार आहे बजेट, आणि एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा त्यांनी दिलेला आहे इव्हन सगळ्यांकरता की